अब हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति जो इंडिविजुअल है, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, उस हेड के तहत उनको, उस व्यक्ति विशेष को, उस पढ़े लिखे व्यक्ति विशेष को क्या फायदा होता है? एक तो हम लोगों ने डायरेक्ट की चर्चा कर ली, अब उनको फिनेंशियल ऑप्शन रिटर्न्स बेनिफिट किस तरह का मिलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो एडिशनल एजुकेशनल गिव्स राइज टू एडिशनल अर्निंग, बट देर आर अदर बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। एक तो ये पहले भी हम लोगों ने चर्चा की और पीछे के कई लेक्चर के माध्यम से, कि जितना आपका क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के टर्म में प्रोपोर्शनल ढंग से आपको बेनिफिट मिलता है। दो देर आर अदर फैक्टर्स, उसकी चर्चा हम लोगों ने इसलिए की कि उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी उसमें इंस्ट्रूमेंटल है। तो एक तो ये चर्चा की कि एडिशनल एजुकेशन गिव्स राइज टू एडिशनल अर्निंग्स, बट बिसाइड्स दैट देर इज अदर बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। एज फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीशन ऑफ गिवेन लेवल ऑफ एजुकेशन क्रिएट्स ओपन्स द ऑप्शन टू ऑब्टेन फर्दर एजुकेशन। मतलब एक तो आपको पैसा ज्यादा मिला, पहला जो डायरेक्ट बेनिफिट है, मोनेटरी बेनिफिट है, ज्यादा पढ़े हैं तो। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि आपको ऑप्शन बढ़ जाता है, आपको लाइफ ऑप्शन ज्यादा देता है एजुकेशन ज्यादा प्राप्त करने का। जैसे आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहते हैं तो बीएड आपने किया है, एजुकेशन में प्रोफेसर होना चाहते हैं तो आपको एमएड तो करना पड़ेगा, फिर एमएड करने के बाद नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको पीएचडी में इनरोल होना पड़ेगा। लेकिन ये उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप डायरेक्टली एमएड नहीं कर सकते हैं, बीएड के बाद आप एमएड करेंगे, फिर पीएचडी, नेट, फिर कोर्स वर्क के बाद आप फिर पीएचडी करेंगे। और ये पीएचडी करने का ऑप्शन आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपने बीएड किया है। बीएड आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप एमएड कर सकें, एमएड कर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप पीएचडी कर सकें, लाइक दैट। सो दिस इज द ऑप्शन। मतलब ये कि एजुकेशन प्रोवाइड्स ऑप्शंस, मतलब ये सफलता के द्वार को खोलता भी है, नए नए सफलता के आयाम से आपको परिचित कराता है। सो कंप्लीशन ऑफ गिवन लेवल ऑफ एजुकेशन क्रिएट्स ओपन्स द ऑप्शन टू ऑब्टेन फर्दर एजुकेशन। विदाउट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कैन नॉट बी डन, विदाउट पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी कैन नॉट बी डन। और उसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ ले चुके हैं, वही बात यहाँ कर रहा है कि यदि आप ग्रेजुएट नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो पीएचडी नहीं करेंगे। वन इज नॉट नॉर्मली परमिटेड टू परसू हायर डिग्री विदाउट द कंप्लीशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर डिग्री। मतलब यदि आप लोअर डिग्री को प्राप्त करते हैं तो आपको ऑप्शन प्राप्त कर देता है कि आप और भी डिग्री प्राप्त कर सके। इसी को हम लोगों ने फिनेंशियल ऑप्शन रिटर्न्स में बात किया। सो एजुकेशन प्रोवाइड्स बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी, मोनिटरी बेनिफिट, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर बेटर लिविंग, बेटर डिग्री गेटिंग एंड थ्रू दैट गेटिंग मोर बेनिफिट इन डिफरेंट टर्म्स। इट इज ऑल्सो नोन दैट सच फर्दर एजुकेशन विल रिजल्ट इन ए स्टिल फर्दर एडिशनल अर्निंग्स फॉर द कंसर्न इंडिविजुअल। मतलब ये कि आप बीएड होके जितना कमाएंगे स्कूल टीचर के रूप में, यदि आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर यहाँ तक पहुँच के, जिस जो मैंडेटरी है, पहुंचना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये भी करना आपको जरूरी है। तो ये कह रहा है कि ये यहाँ तक तो पहुंच, ये डिग्री आपको, एजुकेशन जो आपने प्राप्त किया वो बेनिफिट यहाँ तक पहुंचने का भी आपको देता है, और यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर आपको मोनेटरी बेनिफिट भी देता है। सो करस्पॉन्डिंग बेनिफिट्स इज देयर एज वेल इन टर्म्स ऑफ मोनेटरी एज वेल। देर इज ए नेम, इन्होंने कुछ कहा है इस संदर्भ में, बीए WeisBrod, WeisBrod, WeisBrod ये नाम है व्यक्ति का। इन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा है, इफ द ऑप्शन वैल्यू ऑफ एजुकेशन हैज बिन ओवरलुक्ड बाय द पेरेंट्स एज इट हैज बिन डन बाय द इकोनॉमिस्ट, देयर वुड बी ए टेंडेंसी टुवर्ड्स अंडर
इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, मतलब इनका ये कहना है बीए वाइस ब्रूड का कि यदि ये हम लोग इग्नोर करना शुरू करें ऑप्शनल ऑप्शन वाले वैल्यू का, मतलब पेरेंट करना शुरू करें, हालांकि ये ब्लेम कर रहे हैं कि अर्थशास्त्री ऐसा कर रहे हैं, ये इनका है इसलिए मैं इसको कोट कर रहा हूँ, दो आई डोंट एग्री या अर्थशास्त्रियों ने ऐसा कहा होगा, फिर भी ये हम तो इनको कोट कर रहे हैं। इनका मानना है कि जिस तरह की गलती अर्थशास्त्री करते हैं कि वो इस बेनिफिट की बात नहीं करते हैं, उस तरह से यदि पेरेंट्स करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ऑफ इन एजुकेशन होगा ही नहीं, मतलब बच्चे को अच्छी शिक्षा दे के उनमें इन्वेस्टमेंट एजुकेशन का गार्जियन नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन बेनिफिट भी इसलिए है कि इसीलिए कि बच्चे को आगे की शिक्षा देते हैं, उच्च शिक्षा तक ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की शिक्षा और यहाँ की शिक्षा दोनों आपको डिफरेंट कमाई देता है, लेकिन ये दो बेनिफिट ये है कि आपने यहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की है इसलिए आपको आगे तक की शिक्षा की सुविधा मिलती है, जो हमारा फोकस है इस पार्ट के लेक्चर का। लेकिन इस सुविधा का उपयोग करके जब आप अच्छी शिक्षा अच्छी मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं तो फिनेंशियल ऑप्शन भी आपका खुल जाता है और बेटर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी भी आपको मिलता है। सो इन दिस वे वी डिस्कस्ड इन दिस पार्ट कि एजुकेशन क्रिएट्स ऑप्शन, ऑप्शंस टू ग्रो, एंड एजुकेशन सिंस क्रिएट्स ऑप्शंस टू ग्रो, बाय ग्रोइंग यू अर्न मोर मनी। तो दो तरह का फायदा है, एक तो आपको ऑप्शन देता है और उस ऑप्शन का सदुपयोग करके आप मनी भी ज्यादा कमा लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द फिनेंशियल ऑप्शंस रिटर्न ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का ऑप्शन और उस ऑप्शन से भी फायदा। थैंक यू फॉर दिस।